वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं हैदराबादी शादियों में बनने वाला चिकन 65 विद ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये वाला चिकन 65 बनाने के लिए मैंने चिकन बोन के साथ ही लिया है, आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं। मेरी एक और एक रेसिपी आप वो देख लें बोनलेस के लिए। तो इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम कोरिएंडर पाउडर है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये सब मैं चिकन पे डाल दूंगी। अब मैं इसे चिकन पे मैरिनेट होने के लिए कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि ये मसाले चिकन पे अच्छे से लग जाएं। चिकन अब अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसमें मैं 2 टीस्पून बारीक चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप इसकी जगह 2 टीस्पून मैदा ऐड कर लें। और मैं 2 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर के ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सॉगी हो जाएंगे ज़्यादा डाल देंगे तो आप। अब मैं इसमें 1 अंडा तोड़ कर डाल रही हूँ। अंडा डालने से की बहुत ही अच्छी कोटिंग हो जाएगी, ये अंदर से मॉइस्ट रहेगा चिकन और बाहर से बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो बेसिकली अंडा डालने से चिकन सील हो जाता है। अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी इन सबको। ये वो ग्रेवी है जो आप हैदराबादी शादियों में फंक्शन में सेमी ग्रेवी खाते हैं, ये बनाने जा रहे हैं हम आज। कितनी देर पर मैं तो तेल को हमने गरम कर लिया है, अब हम तल लेंगे चिकन को। फ्लेम की स्टोव की फ्लेम कम नहीं करनी है, वरना तेल बहुत अब्जॉर्ब कर लेगा चिकन। आपने देखा है कि मैंने छोटी छोटी पीसेस रखी हैं ताकि अच्छे से तले जाए। डालते ही हमें हिलाना नहीं है, अगर हम डालते ही इसे हिला देंगे तो जो कोटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो 2 सेकेंड के लिए मैं रुक जाऊंगी। अब मैं इसको पलटा लूंगी, तो देख सकते हैं आप अच्छे से कोटिंग लग गई है चिकन पे। सब अच्छे से चिकन फ्राई हो गया है, मैं ये निकाल लूंगी और नेक्स्ट बैच कर लूंगी। तो सारा चिकन मैंने बैचेस में तल लिया है, अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप दही ले ली है, गाढ़ी दही। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। ये मैंने चिकन जो मैरिनेट किया था उसी बर्तन में डाल लिया है दही। थोड़ा सा हल्दी पाउडर 2 चुटकी, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ मैं, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस है, अगर रेड चिल्ली सॉस है आपके पास तो वो भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून डार्क सोया सॉस। अब इन सब चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाला दही में अच्छे से मिला लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने चिकन 65 को बघारने के लिए सामान तैयार कर लिया है, तो चलिए बघार लेते हैं। अब डाल लिया है, अब इसमें 1 टीस्पून तेल बाकी रखा है, इसमें मैं थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान से डालना होता है कड़ी पत्ते को। और फिर ग्रीन चिली है और 2 टीस्पून मेरे पास गार्लिक है, यानी कि लहसुन है। थोड़ा सा हम इन सबको तल लेंगे, अच्छा पकाना नहीं है, हमें लहसुन को डार्क नहीं करना है। अब मैं इसमें जो मैंने ग्रेवी बनाई है दही की वो ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, उसी बर्तन को धोकर थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें बॉईल आने का वेट करूंगी। तो पानी में बॉईल लगा है इसमें। अब मैं इसमें 2 चुटकी रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसका मेन इंग्रेडिएंट सॉस ऐड कर रही हूँ, टमाटर। अब मैं इसमें तली हुई चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन डाल के ज्यादा पकाना नहीं है, वरना चिकन जो हमने क्रिस्पी बनाई है वो सॉगी हो जाएगी। बस 2 मिनट के लिए हम इसमें चिकन को रखेंगे ताकि सॉस का अच्छा सा फ्लेवर चिकन में आ जाए। और अब 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर का घोल इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। अब हम 2 मिनट ही पकाएंगे।
तो चिकन 65 विद ग्रेवी तैयार है, अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। तो चिकन 65 को मैंने ग्रेवी को मैंने डिश आउट कर दिया। इस पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। तो शादियों में बनने वाली चिकन 65 विद ग्रेवी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये चिकन 65 विद ग्रेवी की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यू कुकिंग चैनल को, और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ।